सुनो सुनो सुनो, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत अभियुक्तगढ़ सरजील सजा अनवर शहजाद तथा आफसा अंसारी की मौजा फतेहपुल्ला स्थित रकबा संख्या 341 की भूमि को कुर्क किया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिजनों के खिलाफ एक और बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। बुधवार की शाम प्रशासन ने फतेह उलपुर के पास मुख्तार अंसारी की पत्नी और सालों के नाम स्थित भूमि और FCI गोदाम को कुर्क करने की कार्रवाई की है। दिन में 3 बजे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी संख्या में नंदगंज थाना क्षेत्र के फतेह उलपुर के पास स्थित मैसर्स विकास कंस्ट्रक्शन के पास पहुंचे। प्रशासन ने ढोल पिटवा कर मुनादी कराते हुए भूमि भवन गोदाम को कुर्क करने की कार्रवाई की। भूमि और गोदाम की कीमत लगभग 22 करोड़ 23 लाख बताई गई है। कार्रवाई के दौरान वहां पर सार्वजनिक सूचना का बैनर भी लगाया गया है। आइए सुनते हैं कि क्षेत्राधिकारी सदर ओजस्वी चावला ने इस कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी दी। ये जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व उनके साले सजील लजा और अनवर सजाद जो कि विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के में पार्टनर्स है, इन अभियुक्तगण की इस संपत्ति को, भू संपत्ति को जो कि अराजी नंबर 341 है, उसको कुर्क किया गया है। सर, इसके अनुमानित मूल्य कितना है और कितना जमीन कितनी है? ये जो 341 अराजी नंबर है जिसको कुर्क किया गया है, ये लगभग 5.5 हेक्टेयर भूमि है और सब रजिस्ट्रार गाजीपुर के आकलन के अनुसार इसकी कीमत लगभग 22 करोड़ 23 लाख। आपको बता दें कि यहाँ लगभग 5.5 हेक्टेयर भूमि भी कुर्क की गई है। सब रजिस्टर गाजीपुर के आकलन के अनुसार इसकी कीमत लगभग 22 करोड़ 23 लाख रुपए है। कार्रवाई के समय तहसीलदार मुकेश सिंह, नायब तहसीलदार नंदगंज, थानाध्यक्ष राकेश सिंह, कोतवाली क्राइम ब्रांच प्रभारी सरस सलील आदर्श, राजस्व लेखपाल एवं भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।